हेलो दोस्तों असलम वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं दाल रेसिपी जो कि आप देखते ही ज़रूर बनाएंगे मैं गारंटी के साथ कहती हूँ तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए वे बनाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने वन कप तुअर दाल लिया है इसे अरहर की दाल भी बोलते हैं उसको तीन से चार पानी अच्छे से वॉश कर लिया था उसके बाद कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है तीन टमाटर दो प्याज़ रफली चॉप की हुई वन कप हरा मटर था मैंने हाफ कप इस्तेमाल किया है हाफ कप बचा लिया है वन कप हरा धनिया ऐड करेंगे रफली चॉप किया हुआ छः से सात कलियां लहसुन की लहसुन का छिलका निकाल लिया था उसके बाद उसे मैंने कुकर में डाल दिया है तीन से चार हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून नमक नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टू टेबल स्पून ऑयल एक कप मैंने पान डाल लिया था तो चार कप पानी ऐड करेंगे आप अपने हिसाब से थिकनेस रख सकते हैं बट मेरे हिसाब से वन कप दाल में फोर कप पानी चाहिए तो मैंने उसे डाल दिया है कुकर का ढक्कन लगाएंगे और कुक करेंगे तो दाल आपकी कैसी है कितने टाइम में गलती है आप उसी हिसाब से गैस का फ्लेम ऑफ़ करिएगा तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं तो चार मिनट बाद दाल अच्छे से गल गई है आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकती हैं लेकिन इसे आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाले हैं तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दिया था फ़ोर टीस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था टू टेबल स्पून के करीब जीरा डाल दिया था तीन हरी मिर्च क्रकल होने लगेगा ज़ीरा उसके बाद टमाटर ऐड कर देंगे जो कि मैंने दाल में ऐड किया था वही टमाटर है अच्छे से गल गया है बस हल्का सा हमें भून लेना है तो दोस्तों ये बहुत ही मज़े की दाल बनने वाली है आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये दाल आपने कभी ट्राई की है या नहीं दोस्तों मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आज ये दाल आप ज़रूर बनाएंगे और आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो दोस्तों इसे अच्छे से भून लेना है ताकि टमाटर जो है अच्छे से खुशबू आने लगे और एक बात याद दिला दो अगर मेरे चैनल पे नए हैं आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ और आप तक पहुँचे सबसे पहले और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा तो दोस्तों टमाटर अच्छे से भून गया था उसके अंदर मैंने दाल को ट्रांसफ़र कर दिया है आप देख सकते हैं अच्छी सी दाल बन के तैयार हुई है एक बॉयल आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है हरा धनिया डाल दिया है वह अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे चलिए कर लेते हैं सर्व तो दोस्तों इसे मैंने सर्व कर लिया है बहुत ही ज़्यादा मज़े की दाल बनी है अगर ये दाल आप बनाएंगे तो आपको सब्ज़ी वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं बहुत ही मज़े की लगती है आप इसे अचार के साथ सर्व कर सकती हैं चाहे तो ऐसे ही खा सकती हैं तो आज की वीडियो कैसी लगी इससे पहले आपने कभी ऐसी दाल बनाई है या खाई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये हम सबकी फेवरेट दाल है मेरे घर में बराबर बनती है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो मैं आइंदा उसी हिसाब से रेसिपी बनाती हूँ तो दोस्तों आप लोग भी बनाइए झटपट से बना के तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है आप लोग बनाइए फैमिली फ्रेंड के साथ इंजॉय करिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त फिर मैं मिलूँगी आसान वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़